हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अपनी एक मशीन दिखाऊंगा जो सेमी ऑटोमेटिक मैनुअल पेस्ट रेट कंट्रोल है। इस मशीन में आपने अभी फुली ऑटोमेटिक और नॉर्मल जो मशीनें आपने चलाई हैं, इस मशीन में जो एक फीचर्स हैं वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। इस मशीन में ये सेमी ऑटोमेटिक जो मशीन है मैनुअल पेस्ट रेट कंट्रोल, ये मशीन 200 टन मीन्स 2000 किलो न्यूटन कैपेसिटी की मशीन है। इस ये मशीन पूरी जो है आप देख रहे हैं प्लेट टाइप है। इसके अंदर ये रेगुलेटर है जो स्लो फास्ट हम जिससे अपनी स्पीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड इज रेट ऑफ लोडिंग और पेस रेट। इसको आप फॉरवर्ड एंड बैक साइड भी कर सकते हैं, मतलब आगे और पीछे। अगर स्पीड बढ़ानी है तो आगे करना होगा और कम करनी है तो पीछे करना पड़ेगा, और आप इससे फाइन ट्यूनिंग दे सकते हैं। ये बेसिकली हमारे स्ट्रेच स्किन के अंदर पेस रेट पर काम आएगा जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। सेकंड रेगुलेटर जो है ये ऑयल को रिलीज और उसको ऑपरेट करने के लिए है। ये ऑफ ऑन का जो स्विच है ये इस मशीन के अंदर नहीं आएगा, बट ये डेमो वीडियो है इसलिए मैंने इसमें दे रखा है, क्योंकि ऑन ऑफ जो है वो हमारी टच स्क्रीन से स्टार्ट होएगा। सो मैं अब आपको दिखाता हूँ मशीन। ये आपने देखा ये इमरजेंसी स्विच है, इसको अगर हम प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे स्क्रीन के अंदर इमरजेंसी स्विच ऑन आ गया है, और इसको जैसे ही रिलीज़ करते हैं तो बाद में अपनी पोजिशन पर आ जाता है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि इस मशीन के अंदर क्या है। नॉर्मली आप कहीं पर भी टच करेंगे, इसके अंदर आपको दो टेस्ट दिखाई देंगे, एक कंप्रेशन और फ्लेक्चर। अगर आपको क्यूब चेक करना है तो कंप्रेशन में जाएंगे, और अगर आपको बीम चेक करने हैं तो आपको फ्लेक्चर में आएंगे। ये एक ऑप्शन दे रखा है हमने गेट इन टच का। आप इसके अंदर अपने फ़ोन नंबर, कुछ भी आप इसके अंदर जो यूनिट्स हैं आपकी वर्क है सब कुछ यहाँ डाल सकते हैं, और ये आपका QR कोड है। पहले हम लोग कंप्रेशन में जाते हैं। कंप्रेशन में आप देखेंगे तो ये हमारा एक मेन्यू है जो सेटिंग वन, सेटिंग, टेस्ट स्किन, कैलिब्रेशन, टेस्ट रिजल्ट, ये जो तीनों हैं ये हमारे इसी मशीन को ऑपरेट करेंगे चारों। पहला मैं जाता हूँ सेटिंग में। सेटिंग के अंदर आप देखिए कि फर्स्ट आ रहा है स्पेसिमेंट टाइप, आप जो क्यूब टेस्ट कर रहे हैं उसका साइज़ क्या है, उसका डायमेंशंस क्या है। तो आप यहाँ से अपना कोई भी डायमेंशंस आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं 150 सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि हम लोग क्यूब चेक करेंगे तो उसका एरिया ऑटोमेटिक 22,500 mm², ये रिजल्ट आ गया इसका। ग्रेड हमारा जो क्यूब है वो कितना ग्रेड का है, जैसे हमारा M40 का है। वेट कितना है, जैसे 8.5 kg का है। सैम्पल एज क्या है, मान लीजिए 7 दिन का है। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट है लोज वेट स्ट्रेस, इसका हमने अभी यूज़ नहीं कर रखा, मगर इसका यूज़ ये है कि आप LVDT लगा के आप डिस्प्लेसमेंट चेक कर सकते हैं पिस्टन का। उसके बाद यहाँ देखेंगे ये है टेस्ट टाइम। टेस्ट टाइम हमारा जो रिजल्ट आता है वो सेकंड में चाहिए या मिनट में चाहिए, आप यहाँ से कर सकते हैं। लैब आईडी, लैब आईडी हर एक लैब की अपनी एक आईडी होती है, आप उसके थ्रू से कर सकते हैं। यहाँ पर आप अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे हमने VS करा उसके बाद 01 करा। ये प्रिंटिंग, जब प्रिंटर निकलेगा तो उसमें ये वैल्यू नज़र आएगी। उसके अंदर सेट पेस रेट, ये सेमी ऑटोमेटिक है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। सेमी ऑटोमेटिक के अंदर हम लोग इस पेस रेट को रेफरेंस पेस रेट मानेंगे। मैंने 5.25 पे हम लोग एज पर द जो हमारा IS स्टैंडर्ड है, मैक्सिमम लॉट 2000 किलो न्यूटन है। इसमें हमने पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर रखा है, अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप पासवर्ड डाल के अपनी मशीन को डायरेक्शन दे सकते हैं कि वो 2000 में चलेगी या 1000 पे। उसके बाद आता है ब्रेक लोड। ब्रेक लोड मीन्स हो गया कि कैसे आपका जो क्यूब टूटा, क्यूब टूटने के बाद वो कितने ब्रेक लोड के बाद, कितना के एन के बाद वो मशीन बंद हो जाए, तो उसलिए हमने ये दे रखा है। यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे हम 100 करते हैं तो 100 भी कर सकते हैं, 10 करते हैं 10 भी कर सकते हैं, हम 20 लेके चलते हैं। नाउ इसे सेव करेंगे हम लोग। ये हमारी टेस्ट स्क्रीन आ गई है। टेस्ट स्क्रीन के अंदर हम लोग इसे रीसेट करते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ बता देता हूँ। ये टेस्ट नंबर है जो हर एवरी टेस्ट पे आपका चेंज होता रहेगा। एक्चुअल लोड, बार ग्राफ, एक्चुअल पेस रेट, जो हमारी मशीन का पेस रेट आएगा जो हम लोग अभी कंट्रोल करेंगे, और ये हमारा रेफरेंस पेस रेट है। यहाँ रिक्वायर्ड रखा है, यहाँ पर रेफरेंस आएगा, वो अगली वीडियो में हम लोग कर लेंगे। ये टेस्ट टाइम है। ये पेन ड्राइव से, अगर आप डाटा कलेक्ट करना चाहें तो पेन ड्राइव के थ्रू लगा के आप इसे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, एक्सेल फॉर्मेट और PDF फॉर्मेट में। ये स्टार्ट है, ये रीसेट है, ये बैक साइड, और ये हमारे तीन रिजल्ट्स हैं जो हमें चाहिए होता है। ये तीन रिजल्ट जो है वो किलो न्यूटन, MPa, न्यूटन m² और kg cm² में हमारा है। ये हमारा रियल टाइम ग्राफ है जो लोड वर्सेस टाइम को डिनोट करता है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे ये लोड kN में है, और नीचे देखेंगे आप ये टाइम में जो सेकंड में दिखा रहा है। अब मैं इस मशीन को स्टार्ट करता हूँ। अब मैंने यहाँ से स्पीड दी,
अब जैसे ही इस पर आपका लोड आना शुरू होएगा, लोड आना शुरू होगा तो आप इसको बैक सेट कर लेंगे, फिर हम लोग फाइन ट्यूनिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू अपना पेस रेट। ये देखिए अब 3.80 3.6 आ रहा है, ये देखिए जो ये ग्राफ देख रहे हैं ये रियल टाइम ग्राफ है, आप इसको सिंगल पॉइंट पे चेक कर सकते हैं। और मैं आपको इस मशीन की खासियत बताता हूँ, आपके पास जो रिज़ल्ट आ रहे हैं आपको पेसेट कैसे निकालना है, आप जो 200 जैसे ये एक्चुअल लोड जो चल रहा है एक्चुअल लोड का डिवाइड कर दीजिए टेस्ट टाइम से, जो डिवाइड करके आंसर आएगा वो आपका पेसेट आएगा और वो इससे मैच करेगा। तो एक्यूरेसी इस मशीन में ये खासियत है जो मैं आपको पहले बता रहा था। अभी बार ग्राफ देख रहे हैं ग्रीन, ग्रीन मतलब कि हमने 5.25 रेफरेंस लिया है, तो उससे बिलो चलेगा तो ग्रीन होगा, अगर उससे ऊपर होएगा तो ये रेड पहुंच जाएगा। ये देखिए अब ये 537 41 43 हो रहा है क्योंकि 25 से अबव है तो ये रेड हो रहा है। अब हम इसको नीचे करते हैं कंट्रोलिंग इसी के थ्रू, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो रिज़ल्ट हमारे आ रहे हैं ये ऑटोमेटिक चल रहे हैं। ये MPA है, MPA का एक फॉर्मूला होता है जो हमारा एरिया से निकलता है क्रॉस सेक्शनल एरियाज एंड केजी सेंटीमीटर ऑल्सो इज क्रॉस सेक्शनल एरियाज। अब आपका 120 पे जो रिज़ल्ट आ रहा है वो 5.21 के हिसाब से आ रहा है जो रेट ऑफ लोडिंग है। अब ग्राफ देखिए देखिए 5.25 एक्यूरेसी 0.01। आप ये जितना फाइन ट्यून अच्छी तरीके से करेंगे हमारा जो पंप है जो पंपिंग यूनिट है और जो लोड फ्रेम है वो इसी के अकॉर्डिंग बनाया गया है जिससे हमारी फाइन ट्यूनिंग अच्छी रहती है।